नमस्कार, मैं रवि कुमार, डायरेक्टर जीवे। गुड इवनिंग सभी को। एक बार मैसेज करके बताइए आवाज क्लियर है ना। आवाज के लिए मैसेज कर दीजिए और जितने लोग जुड़े हैं एक बार लाइक भी कर देना है। ठीक, आवाज के लिए मैसेज कीजिए। आवाज ओके है क्या? साउंड प्रॉब्लम। अभी के लिए बताइए, अभी ठीक है? आवाज कम है। अभी बताइए, अभी चलिए अभी के लिए बताइए तो। अभी ठीक है क्या? एक बार आवाज के लिए मैसेज कर दीजिए। ओके है अभी? अब ठीक है, चलिए ठीक, गुड, वेरी गुड। जो रेलवे सीरीज है हम लोगों का एएलपी टेक्नीशियन के लिए, टेक्निकल क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसके साथ में इसरो और सेल का अभी ये जो राहुल किला है ना, उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना चालू हो गया है। तो सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए और तैयारी कीजिए। अगर चाहते हैं तो उसका प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, ठीक है? ऐप पर अवेलेबल है। ये दूसरा दिन है हम लोगों का। कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं और फिर एक एक करके क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक। चलिए, अगर यहाँ पर देखें तो रेलवे एएलपी टेक्नीशियन का ऑफलाइन बैच 15 फरवरी से आ रहा है। ये कॉलिंग नंबर है, नहीं तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा ऐप का आइकन दिखेगा, इजी वे ग्लोबल प्ले स्टोर में डाल करके और इसको जा करके और देख सकते हैं कोर्स के लिए। 16 फरवरी को सेमिनार है, ठीक, और 15 फरवरी से ही ऑनलाइन बैच भी है, तो दोनों एक साथ है। इसके अलावा अगर देखें तो रेलवे फिटर ऑल सब्जेक्ट का कोर्स अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको। रेलवे टर्नर एलपी टेक्नीशियन दोनों के लिए, रेलवे मशीनिस्ट का मिल जाएगा कोर्स इस तरीके से। रेलवे फिटर ओनली टेक्निकल, रेलवे मशीनिस्ट ओनली टेक्निकल, रेलवे टर्नर ओनली टेक्निकल, फिटर मास्टर कोर्स है, सभी एग्जाम को ध्यान में रख करके फिटर मास्टर कोर्स केवल टेक्निकल, टर्नर मास्टर कोर्स, इस तरीके से मशीनिस्ट का मास्टर कोर्स अवेलेबल है। फिटर ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है, सेल के लिए ये ले सकते हो कम समय में तैयारी करने के लिए। टर्नर का भी अवेलेबल है और इसी तरीके से मशीनिस्ट का भी अवेलेबल है। चलिए, तो आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कल आपको उस क्वेश्चन कराया गया था, यानी 10 क्वेश्चन हम लोग कल के सेशन में कर चुके हैं। आज के लिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन देखते जाना है और आंसर करते जाना है, ठीक। एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, जो लोग जुड़े हैं ना लाइक कर देना है। चलिए, अगर यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए फटाफट। क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेनलेस स्टील में मुख्य मिश्रण तत्व क्या है? मेन एलवाइंग एलिमेंट इन स्टेनलेस स्टील इज, इसरो 2018 में पूछा है। निकेल होगा, क्रोमियम होगा, वेनेडियम या कार्बन। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर अगर राइट आंसर देखें तो मैक्सिमम लोगों का ऑप्शन क्या कर रहा है? बी कर रहा है। चलिए ठीक है, सभी लोग मैसेज कीजिए, निकेल, क्रोमियम, वेनेडियम और कार्बन दिया, तो कौन सा होगा? तो यहाँ पर अगर देखोगे स्टेनलेस स्टील में तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील जिसको जंग रोधी इस्पात बोला जाता है, किसका किसका मिश्रण होता है? क्रोमियम, निकेल और किसका मिश्रण है? कार्बन। क्रोमियम कितना रहता है? 18% रहता है। निकेल कितना होता है? 8% होता है। और ये जो कार्बन है, कार्बन कितना होता है? तो कार्बन होता है 1%। ये ध्यान रखना है, ये कंपोजिशन पूछा जाता है। तो मुख्य रूप से पूछा है तो मुख्य रूप से तो वही होगा ना जो सबसे ज्यादा मात्रा में है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? तो क्रोमियम है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य रूप से। क्लियर है इतना कहानी? बाकी ये तीनों का परसेंटेज भी पूछ सकता है। बर्तन बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाए जाते हैं, नहीं तो सर्जिकल टूल्स जो होते हैं, डॉक्टर्स लोग जो चीड़ फाड़ के लिए, ऑपरेशन करने के लिए सर्जिकल टूल यूज करता है, वो किसका बना होता है? स्टेनलेस स्टील का होता है। यहाँ पर अगर राइट आंसर देखें तो राइट आंसर क्या रहेगा? बी। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। गन मेटल, तांबे
और खाली स्थान की एक मिश्र धातु है। गन मेटल इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड खाली स्थान। किसका किसका मिश्रण होता है? तो धातु जिसको बोला जाता है गन मेटल को, ठीक। तो गन मेटल को तूप धातु बोला जाता है, इसके बारे में चर्चा करना है। साउंड बढ़ाओ सर, अभी के बारे में बताइए, ठीक है? थोड़ा सा बढ़ा है क्या? गन मेटल तांबा और किसका मिश्रण है? तो गन मेटल के लिए देखें तो कॉपर टीन और किसका मिश्रण होता है? तो जिंक का मिश्रण होता है ना। और इसमें भी अगर प्रतिशत मात्रा देखो तो ये 88, फिर 10 और फिर क्या रहता है? 2। यानी 88% कॉपर, 10% टीन और 2% क्या होता है? जिंक। कॉपर टीन और जिंक का मिश्रण है। तो कॉपर तो पहले दिया है, बाकी टीन और क्या कर सकते हो? जिंक। यानी यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा, क्लियर है इतना कहानी? नहीं तो इसको ध्यान रखने के लिए ऐसा बताए थे पिताजी, पिताजी नहीं पीतल के लिए, अब बताए पिताजी किसके लिए? पीतल के लिए, पीतल के लिए। पीतल का पूछेगा तो पिताजी मतलब पीतल, तांबा कॉपर और किसका? जिंक का मिश्रण होता है। इसके बाद पीतल के बाद यानी ब्रास, और इसके बाद ब्रॉन्ज, कांसा जिसको बोलते हैं। ब्रॉन्ज के लिए अगर देखोगे तो ब्रॉन्ज किसका मिश्रण है? तो कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। तो इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कॉपर टीन और जिंक किसका मिश्रण होता है? कॉपर टीन और जिंक का मिश्रण क्या कहलाता है? तो गन मेटल, जिसको टूप धातु बोला जाता है। बंदूकों के पार्ट्स पुर्जे इसी के बनाए जाते हैं, टूस बेयरिंग बनाए जाते हैं इसी के। साउंड बढ़ाओ सर, साउंड के चक्कर में पूरा डिस्टर्बेंस हो रहा है, फिर से एक बार कोशिश करते हैं, ठीक। साउंड सही नहीं आ रहा है, साउंड प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, रुक जाइए एक बार चेक कर लेते हैं। साउंड के चक्कर में बहुत डिस्टरबेंस है। अभी कुछ ठीक है क्या? मैसेज कीजिए तो अभी के लिए, थोड़ा बहुत अगर हो रहा है तो उसको मैनेज कर लीजिए। कोड वगैरह चेंज किया गया है फिर भी ऐसा आ रहा है, तो आइडेंटिफाई करेंगे सारा चीज, ठीक। आइडेंटिफाई करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो थोड़ा बहुत कम आ रहा है, घर घर आ रहा है, तो थोड़ा मैनेज कीजिए। यहाँ पर अगर देखोगे तो राइट आंसर क्या होगा? टीन तथा जिंक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 13, कपोला का प्रयोग इनमें से किसे बनाने के लिए किया जाता है? द कपोला इज यूज टू मेक, सेल 2019 में पूछा है, कपोला फर्नेस में क्या बनाया जाता है? ऐसे भी बोल सकते हो कांचा लोहा, पिग आयरन दिया है, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और स्टील दिया है, तो क्या होगा? आंसर बताइए सभी लोग, सभी लोग आंसर बताइए इसका। कपोला फर्नेस किसके लिए यूज होता है? यहाँ पर अगर राइट आंसर देखोगे तो ये ढलवा लोहा के लिए ना, या कपोला फर्नेस में क्या बनता है? ढलवा लोहा बनाया जाता है, कास्ट आयरन बनाया जाता है। अभी जो पिग आयरन है, पिग आयरन के लिए फर्नेस का नाम पूछेगा तो क्या बोलोगे? ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस, वात्या भट्टी जिसको बोला जाता है। कास्ट आयरन के लिए क्या होता है? कपोला। उसके बाद अगर देखोगे रॉट आयरन, रॉट आयरन किसमें बनाया जाता है? पुडलिंग, पुडलिंग फर्नेस में। और इसके बाद स्टील के लिए अगर पूछे तो स्टील बेसिमर विधि द्वारा बनाया जाता है। स्टील के लिए क्या बोलोगे? बेसिमर विधि नहीं तो ओपन हर्थ प्रोसेस कहलाता है। यहाँ पर अगर राइट आंसर देखें फिलहाल तो क्या होगा? ये कपोला फर्नेस में क्या बनाया जाता है? तो ढलवा लोहा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 14, स्टील निम्न में से किसका मिश्र धातु है? स्टील इज एन एलॉय ऑफ व्हिच वन ऑफ द बिलो, डीएमआरसी 2017 में पूछा है। आयरन एंड मैग्नीज, कार्बन एंड टीन, आयरन एंड कार्बन, पिग आयरन एंड निकेल। बताइए सभी लोग, आंसर कीजिए फटाफट, आंसर करना है। स्टील निम्न में से किसका मिश्र धातु है? चलिए टुनटुन कुमार यादव आयरन एंड कार्बन बोल रहे हैं, ठीक। मैक्सिमम लोगों का सही आ रहा है, यानी लोहा और कार्बन का जो मिश्रण होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टील बोलते हैं। स्टील किसका किसका एलॉय है? तो स्टील एलॉय होता है आयरन Fe और कार्बन का। यहाँ पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर इसका नाम भी अलग अलग है ना, जैसे
जिस स्टील में 0.15 से लेकर के 0.3% तक कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? तो मीडियम कार्बन स्टील, सॉरी इसको हम लोग माइल्ड स्टील बोलते हैं, एमएस माइल्ड स्टील, या लो कार्बन स्टील एलसीएस बोला जाता है, जिसमें 0.3 से लेकर के 0.6% कार्बन की मात्रा होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमसीएस मीडियम कार्बन स्टील, और जिसमें 0.6 से 1.5% कार्बन की मात्रा होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एचसीएस यानी हाई कार्बन स्टील। इतना क्लियर है? तो ये कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर नाम पूछा जाता है, ये परसेंटेज याद रखना है, इसीलिए ये सब डिटेल्स बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ पर देखें तो राइट आंसर क्या होगा? सी, एक मेट्रिक माइक्रोमीटर में थिम्बल एक पूर्ण चक्कर में कितना आगे बढ़ती है? यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, नहीं तो बहुत लोगों का आंसर गलत होगा। देखना है इसमें, एक मेट्रिक माइक्रोमीटर थिम्बल एक पूर्ण चक्कर में कितना आगे बढ़ती है? इन्हें मेट्रिक माइक्रोमीटर ए कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ थिम्बल एडवांसेस, इसरो 2015 में पूछा है। पूरे एक थिम्बल को पूरे एक चक्कर घुमा दिया जाए तो कितना आगे बढ़ेगा? ऑप्शन दिया 0.01 mm, 0.25, 0.50 और 1 mm, बताइए आंसर करना है। बिहार इंस्ट्रक्टर के लिए कट ऑफ के बारे में आप क्या पूछ रहे हैं? रिजल्ट आ जाएगा जल्द ही, टेंशन नहीं लेना है। अगर क्वालिफाई किए हो केवल कैटेगरी जो मेंशन किया था तो आपका, और सीआईटीएस वगैरह किए हो तो बन जाएगा, मार्क्स बन जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक, अगर यहाँ पर देखें तो राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कीजिए, मैक्सिमम लोगों का आंसर आया है और करेक्ट किए हैं, जो लोग नहीं कर रहा है आंसर उनको भी करना है। यहाँ पर अगर देखोगे तो राइट आंसर क्या होगा? 0.50 mm ना। ये लिस्ट काउंट नहीं पूछा है, क्या पूछा है इसको हम लोग एक एक करके अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। अगर एक चक्कर थिम्बल को पूरा घुमा दिया जाए तो कितना स्पिंडल आगे बढ़ता है, ये पूछा है। तो आधा एमएम आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेगा आधा एमएम, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। राइट आंसर जो लोग सी किए हैं उनका करेक्ट है। अब यहाँ पर एक चीज हम लोगों को ये देखना है, अगर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट पूछे ना, साधारण माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट अगर एमएम में पूछे तो क्या बताओगे? 0.01 mm, और इंच में बोलोगे तो 0.001 इंच होता है। सो मेरा चीज इसी को इंच में बता सकते हो। तो ये लिस्ट काउंट नहीं पूछा है, ये दूसरा चीज पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि थिम्बल को एक चक्कर घुमाएंगे तो ये कितना आगे जाएगा, या खोल रहे हैं तो कितना पीछे आएगा। तो ये 0.5 mm आगे जाएगा, 0.5 mm पीछे आएगा, कैसे? तो इसको समझते हैं हम लोग। अगर यहाँ पर देखोगे तो यही माइक्रोमीटर है, इसको हम लोग आउटसाइड माइक्रोमीटर बोलते हैं। पहले पार्ट देख लिया जाए तो पार्ट में ये इसका फ्रेम है, फ्रेम पर ही इसका रेंज और इसका लिस्ट काउंट लिखा होता है। बाकी ये एनबिल है, ये स्पिंडल है, एनबिल स्पिंडल के बीच में जॉब को रख करके माप लिया जाता है। ये लॉक नट होता है, रीडिंग लेने के बाद रीडिंग को लॉक करने के लिए लॉक नट का प्रयोग करते हैं। ये स्लीव हब या बैरल होता है जो अंदर से खोखला होता है, और इसके ऊपर डटम लाइन होता है, और इसी पर ये मेन स्केल का ग्रेजुएशन होता है, मेन स्केल की मार्किंग होती है। जैसे ये 0 है, यहाँ पर देखोगे तो ये क्या होगा? ये 1 mm, ये 2 mm, और इसका सब डिविजन यानी आधा mm, ये डटम लाइन जो होता है इसके नीचे में, ये यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये छोटा लाइन होता है जिसको सब डिविजन बोलते हैं, ये आधा mm है। फिर अगर ये 0, आधा mm, 1 mm, फिर इसका करोगे तो क्या होगा? 1.5 mm, ये 2 mm, ऐसे बढ़ते जाता है। यानी मेन स्केल डिवीजन और सब डिवीजन होता है, किस पर? स्लीप हब या बैरल पे। इसके बाद ये भाग जो होता है इसको थिम्बल बोलते हैं। मेट्रिक माइक्रोमीटर में थिम्बल पर टोटल 50 डिवीजन होता है। कितना डिवीजन होता है? 50 डिवीजन। जैसे ये 45 है, ये 40 है, तो 40 से 45 के बीच में कितना? 5 लाइन। ये फिर ये 0 आएगा तो 45 के बाद ये 0, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 50 लाइन। सो मेरा चीज, तो 50 डिवीजन ये, इसको सर्कुलर स्केल भी बोलते हैं, और आगे से ये बीबल होती है। पीछे ये देखें तो ये थिम्बल का पीछे वाला भाग ये नर्लिंग क्या रहता है, नर्लिंग ग्रिपिंग पर्पस के लिए, ताकि इसको पकड़ करके अच्छे से खोल सकें। और ये रैचेट स्टॉप है जिसका प्रयोग इनफॉर्म प्रेशर लगाने के लिए, एक समान दबाव लगाने के लिए करते हैं। अब बात यहाँ पर ये है कि आउटसाइड में एक माइक्रोमीटर है तो ये बाहरी माप को, चाहे बॉल है उसका डायमीटर चेक कर सकता है, गोल रॉड है उसका डायमीटर, या प्लेट है उसकी मोटाई को चेक कर सकता है। ये क्लियर है इतना कहानी? अब यहाँ पर सिंपल सा अगर पूछे कि माइक्रोमीटर किसका बना होता है, तो माइक्रोमीटर के लिए बोलोगे कि इनवार स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? इनवार स्टील, इनवार स्टील, इनवार स्टील का बना होता है। इनवार स्टील किसको कहा जाता है? अगर स्टील में 35% तक निकेल मिला दिया जाए, 35% तक निकेल मिला दिया जाए, तो इस स्टील को हम लोग इनवार स्टील बोलते हैं। और इनवार स्टील का कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम होता है, यानी ताप लगने के कारण इसके स्केल में बढ़ोतरी की संभावना बहुत कम होती है।
इसलिए सूक्ष्म मापी यंत्र इसके बनाए जाते हैं। क्लियर है इतना कहानी? सूक्ष्म मापी यंत्र जैसे माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, वर्नियर हाइट गेज हो गया, नहीं तो निकेल क्रोमियम स्टील देगा तो इसके आधार पर बता सकते हो। अब बात यहाँ पर यह है कि इसका सिद्धांत क्या है, खुलने और बंद होने का सिद्धांत क्या है। तो इसका सिद्धांत होता है नट और बोल्ट प्रिंसिपल। आगे भी क्वेश्चन आएगा, वो भी डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर ये पूरा चीज समझ लेना है। नट और बोल्ट सिद्धांत होता है, या स्क्रू एंड नट बोल सकते हो, या लीड और पिच सिद्धांत बोला जाता है। तो अगर ये स्लीव हब या बैरल है ना, ये अंदर से खोखली होती है, जैसे नट होता है तो नट में अंदरूनी थ्रेड, उसी तरीके स्लीव हब या बैरल में अंदरूनी थ्रेड। और ये स्पिंडल होता है, स्पिंडल पर बाहरी थ्रेड होता है, एक्सटर्नल थ्रेड होता है, यानी बोल्ट के जैसा बिहेव करेगा। मान लो ये नट है और ये बोल्ट है, तो नट और बोल्ट है, तो अगर बोल्ट को अगर टाइट कर रहे हैं तो ये आगे जाएगा, खोलेंगे तो कहाँ आएगा, पीछे। इसी तरह से ये आगे पीछे इसका स्पिंडल आते जाता है, इसीलिए नट और बोल्ट सिद्धांत बोला जाता है। और इसके ऊपर जो थ्रेड होता है, ये कौन सा थ्रेड होता है, तो ये मैट्रिक भी थ्रेड होता है, मैट्रिक भी थ्रेड होता है, जिसका अगर एंगल देखोगे थ्रेड का एंगल तो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। और एक से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी ये पिच कहलाती है। तो कितना पिच के हिसाब से बना होता है, तो 0.5 mm पिच के हिसाब से बना होता है, 0.5 mm पिच के हिसाब से बना होता है। अब यहाँ पर जब लिस्ट काउंट इसका निकालते हैं ना हम लोग, तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए, यानी LC जब निकालेंगे, LC लिस्ट काउंट, तो पिच बटा में टोटल नंबर ऑफ थिंबल डिवीजन होता है, टोटल नंबर ऑफ TD थिंबल डिवीजन होता है। यानी पिच देखोगे तो 0.5 mm ये फिक्स है, और थिंबल डिवीजन ये बताए थे ना कितना होता है, 50 थिंबल डिवीजन। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से लिस्ट काउंट कितना आता है, 0.01 mm। ये लिस्ट काउंट का मतलब ये है, इस थिंबल के एक भाग का वैल्यू कितना है, 0.01 mm है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था कि इस थिंबल को अगर पूरा घुमा दे एक चक्कर, यानी टोटल कितना डिवीजन है, 50, यानी 50 लाइन घुमा दे तो कितना होगा, 50 लाइन घुमा दोगे तो 50 × 0.01, यानी क्या हो जाएगा, 0.5 mm, यानी आधा mm क्या होगा, आगे जाएगा, आधा mm पीछे आएगा। क्योंकि नट और बोल्ट सिद्धांत है, तो जो पिच है उसी के अनुसार जाएगा ना आगे, और उसी के अनुसार क्या होगा, पीछे। तो एक चक्कर में ये कितना आगे जाएगा, 0.5 mm आगे जाएगा, आधा mm आगे जाएगा। इसीलिए इसका ये जो मेन स्केल होता है ना, जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये सब डिविजन होता है, ये आधा आधा mm के अंतराल पर होता है। क्लियर है इतना कहानी? और लिस्ट काउंट अगर पूछे ना, तो लिस्ट काउंट के लिए ऐसे पूछता है, एक थिंबल डिवीजन का वैल्यू क्या है, तो उसको क्या बोलोगे, लिस्ट काउंट बताओगे, तो 0.01 होगा। या पूछेगा माइक्रोमीटर से, साधारण माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो 0.01 बताओगे। क्लियर है इतना कहानी? चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए इतना डिटेल्स काफी है, ढेर सारा कुछ बता दिए। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अभी बता सकते हो ना इसको, माइक्रोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, और इसरो और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा है, दो बार 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 आता है, स्क्रू बोल्ट नट बोल्ट स्टड और नट एंड बोल्ट, अभी बताए, बताइए फटाक से। यहाँ पर अगर देखोगे तो राइट आंसर क्या होगा, तो नट एवं बोल्ट ना, क्या होगा, नट एवं बोल्ट सिद्धांत, डी राइट आंसर होगा। नहीं तो स्क्रू एंड नट सिद्धांत बोला जाता है, नहीं तो लीड और पिच सिद्धांत बोला जाता है। लीड और पिच सिद्धांत का बोलने का क्या कारण है, क्योंकि सिंगल स्टार्ट थ्रेड होती है, इसके स्पिंडल पर देखोगे तो ये मेट्रिक भी थ्रेड होता है, जिसका एंगल 60 डिग्री होता है, और पिच क्या होता है, 0.5 mm होता है। तो सिंगल स्टार्ट में लीड और पिच क्या होता है, बराबर। अगर मान के चलिए पिच 0.5 mm है, तो लीड भी क्या होगा, 0.5 mm, इसीलिए लीड और पिच सिद्धांत कहा जाता है। क्लियर है इतना कहानी? चलो आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखें। तो क्वेश्चन नंबर 17, ये लिमिट फिट और टॉलरेंस का क्वेश्चन है, और बहुत दमदार क्वेश्चन है, तेल निकल जाता है इसको बनाने में। एक एक करके सारा कंसेप्ट सिखा देंगे, इसमें आएगा तो आराम से बना सकते हो। 25H7P6 के रूप में अभी तक फिट है, इसरो 2016 में पूछा है, बताइए ये कौन सा फिट है, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस या टॉलरेंस, फटाक फटाक आंसर करना है। चलिए मैक्सिमम लोग आंसर कीजिए, बहुत कम लोग आंसर कर रहे हो, क्या कर रहे हो सब लोग, आंसर करते जाना है, आंसर करते जाना है। चलिए यहाँ पर अगर देखोगे ना, तो ये जो फिट है ये इंटरफेरेंस में आएगा, यानी इसका आंसर देखोगे तो राइट आंसर क्या होगा, सी। सी अगर कोई किया है तो उसका करेक्ट है, बाकी ये कैसे आता है पहले इसको समझ लिया जाए। इसको समझने से पहले ये जो एलियन भाषा लिखा है ना, इस पे चर्चा करते हैं। ये 25H7 और P6 है लिमिट फिट टॉलरेंस में, तो इसको अलग अलग लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, 25H7 ये होल है, और इसको 25P6 ये शाफ्ट लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि
यहाँ पर एबीसीडी के कैपिटल लेटर से हम लोग इसको बताते हैं होल को, और एबीसीडी के छोटे लेटर से किसको बताते हैं शाफ्ट को। तो इसमें अगर देखोगे तो ये बेसिक साइज है, बेसिक साइज या थ्योरेटिकल साइज इसको बोला जाता है। ड्राइंग में जॉब का जो माप दिया जाता है उसको बेसिक साइज बोलते हैं, और ये बेसिक साइज होल शाफ्ट दोनों का बराबर है। बाकी यहाँ पर ये एच टाइप का होल है, एच टाइप का जो होल होता है उसको हम लोग बेसिक होल बोलते हैं, समझा रहा चीज, और कैपिटल लेटर से। और इसके साथ ये जो सेवन लगा है ना, इंटरनेशनल ग्रेड ऑफ टॉलरेंस है। इसी तरीके से इसमें देखो 25 बेसिक साइज और पी प्रकार का शाफ्ट है, और इसका इंटरनेशनल ग्रेड ऑफ टॉलरेंस क्या है, 6 है। अब इंटरनेशनल ग्रेड ऑफ टॉलरेंस क्या बताता है, इंटरनेशनल ग्रेड ऑफ टॉलरेंस पार्ट की एक्यूरेसी को बताता है कि पार्ट कितना एक्यूरेसी के साथ बना है। अगर यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार देखें, ISI के अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अनुसार या भारतीय मानक संस्थान के अनुसार, ये जो ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होता है टोटल कितना होता है, 18। कैसे शुरू होता है, तो IT01, IT0 इसी तरीके से IT1 इसी तरीके से आगे जाते जाएंगे तो कहाँ तक जाता है, IT16 तक जाता है। IT16 यानी 1 से 16 तक, 16 है ये, और ये 2 क्या होगा, 18। यानी BIS के अनुसार इंटरनेशनल ग्रेड ऑफ टॉलरेंस देखोगे तो कितना होता है, 18। और नेक्स्ट एक पूछा जाता है फंडामेंटल डेविएशन, फंडामेंटल डेविएशन मतलब होल और शाफ्ट की संख्या कितनी है, यानी ए प्रकार का सा होल, बी प्रकार का होल, इसी तरीके से एच प्रकार का, इसी तरीके से टोटल कितना होता है। तो अगर इसके अनुसार देखें इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार तो 25 प्रकार का होल और शाफ्ट, यानी इसको फंडामेंटल डेविएशन बोला जाता है, 25 प्रकार का होता है। क्लियर है इतना कहानी। तो यहाँ पर हम लोगों को ये समझना है कि ये 0, 01, IT0, IT1 जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे ना, पार्ट की एक्यूरेसी क्या होती है, घटते जाती है। IT16 कास्टिंग या फॉर्जिंग वाला जॉब होता है, IT01 सबसे हाईएस्ट एक्यूरेसी है, IT5 लैपिंग के लिए यूज होता है, IT6 ग्राइंडिंग के लिए यूज होता है, और IT1, IT2 ये गेज मेकिंग, IT3, IT4 गेज मेकिंग के लिए होता है। यानी सीधा सा समझना है कि ये एक्यूरेसी को बताता है। यानी यहाँ पर H7 है तो ठीक ठाक होल है, 7 ग्रेड का होल है, जो शाफ्ट है ये 6 ग्रेड का है। अब बारी है, इतना समझ में आ गया, तो अब बारी है यहाँ पर हम लोगों को समझने का, ऐसे फिट को हम लोग कैसे पहचानते हैं। ढेर सारा एग्जांपल बताएंगे, कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ठीक। दो सिस्टम होता है, एक होता है होल बेसिस सिस्टम और दूसरा होता है शाफ्ट बेसिस सिस्टम। होल बेसिस सिस्टम में होल को हम लोग फिक्स कर देते हैं, और अलग अलग फिट प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट को चेंज करते जाता है। अलग अलग फिट मतलब क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस। क्लियरेंस फिट में अगर देखोगे तो होल बड़ा और शाफ्ट क्या होता है, छोटा। ट्रांजिशन में बीच बीच की कंडीशन होती है, और इंटरफेरेंस में होल छोटा शाफ्ट क्या होता है, बड़ा होता है। क्लियर है इतना कहानी। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसमें समझते हैं, ये ड्राइंग में रिप्रेजेंटेशन अगर देखोगे तो ये जीरो लाइन है। ये होल बेसिस सिस्टम का मतलब क्या है, अगर कोई होल है तो उसका ये जो लोअर डेविएशन होता है ना, ये जीरो लाइन से टच करके होता है, इसीलिए पूछा जाता है होल बेसिस सिस्टम में लोअर डेविएशन क्या होता है। तो लोअर डेविएशन क्या होता है, जो जीरो, और बेसिक होल जो होता है ये एच प्रकार का होता है, एच टाइप को हम लोग बेसिक होल बोलते हैं। क्लियर है कहानी। इसी तरीके से यहाँ पर देखो तो शाफ्ट बेसिस सिस्टम में ये जो शाफ्ट का अपर डेविएशन होता है, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट का फंडामेंटल डेविएशन है, इसमें ये लोअर डेविएशन, ये अपर डेविएशन, ये जीरो लाइन से टच करके होता है। तो शाफ्ट का अपर डेविएशन शाफ्ट बेसिस सिस्टम में चेंज जीरो लाइन से टच करके होता है, जीरो होता है। होल बेसिस सिस्टम मतलब एक होल बना लिए हम लोग, और फिर अलग अलग शाफ्ट को, जैसे इस शाफ्ट को इसमें लगाएंगे तो क्या बनाएगा, क्लियरेंस, इस शाफ्ट को लगाएंगे तो ट्रांजिशन, इस शाफ्ट को लगाएंगे तो क्या बनाएगा, इंटरफेरेंस। यानी होल को फिक्स कर लिया और शाफ्ट को अगर बढ़ाते जा रहे हैं, होल में अगर शाफ्ट जाएगा तो ढीला होगा तो क्लियरेंस, एग्जैक्ट मैचिंग कंडीशन होगी तो ट्रांजिशन, और फिर उससे बड़ा होगा तो क्या होगा, अड़चन आएगा तो इंटरफेरेंस। क्लियर है इतना कहानी। इस फिगर में भी देख सकते हो, ये होल का फंडामेंटल डेविएशन है, यानी होल बेसिस सिस्टम में होल का लोअर डेविएशन जीरो होता है, और ये शाफ्ट है, तो ये होल का लोअर डेविएशन ये है, ये जीरो लाइन है, और ये शाफ्ट है, शाफ्ट का ये डेविएशन दिया गया है, तो होल बड़ा शाफ्ट होता है, ये क्लियरेंस फिट। यहाँ पर ट्रांजिशन में अगर आओगे तो ट्रांजिशन में अगर होल बेसिस सिस्टम में होल को फिक्स कर लिए तो ये शाफ्ट का चेंज करता है, ये भी कंडीशन हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, ये तीन कंडीशन होता है ट्रांजिशन का। और इसी तरीके से इंटरफेरेंस में आए तो ये होल बेसिस सिस्टम में होल तो फिक्स है, शाफ्ट बड़ा हो गया तो होल छोटा शाफ्ट बड़ा इसमें आएगा इंटरफेरेंस में। अब यहाँ पर देखिए एक्चुअल कंडीशन, अगर ये बेसिक होल है इसको फिक्स कर लिए तो ये अलग अलग शाफ्ट है,
छोटा लेटर से शाफ्ट को बताते हैं, ए टाइप, बी टाइप, बी सी टाइप, डी टाइप। तो ऐसा करके कहां से कहां तक का शाफ्ट क्लियरेंस फिट बनाएगा और कहां से कहां तक ट्रांजिशन और कहां से कहां तक इंटरफेरेंस, तो अगर यहां पर चर्चा करें तो सीधा सा ये ध्यान रखना है, ए से लेकर के एच तक का जो शाफ्ट होगा ये किसमें होल बेसिक सिस्टम में बेसिक होल के साथ क्लियरेंस फिट बनाएगा, और जे से लेकर के एन तक का जो शाफ्ट होगा इस होल के साथ क्या बनाएगा ट्रांजिशन, और पी से जेड सी तक का, इसमें पी से जेड सी के बीच में ढेर सारा आता है, जैसे जेड ए जेड बी जेड सी आता है जेड में ही देखोगे तो, इसके अलावा पी आर है, एस है, सो मेरा चीज, तो ये सब इंटरफेरेंस में आते हैं। तो सिंपल सा जो लेटर है ना इसके आधार पे भी बता सकते हो। इसी तरीके से शाफ्ट बेसिस सिस्टम में देखोगे तो इसमें कुछ नहीं है, शाफ्ट को यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं, ये जीरो लाइन से टच करके ये शाफ्ट का अपर डेविएशन है, तो शाफ्ट का अपर डेविएशन जीरो होता है, और यहाँ पर अलग अलग होल को हम लोग क्या करते हैं चेंज करते हैं, ये ए प्रकार का होल, बी प्रकार का होल, तो यहाँ पर भी वही कहानी है, अगर शाफ्ट को फिट किए हो ए से एच तक का होल डालोगे तो क्या बनाएगा क्लियरेंस, जे से एन तक क्या बनाएगा ट्रांजिशन, और पी से जेड सी क्या बनाएगा इंटरफेरेंस, क्लियर है इतना कहानी। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये सारा एग्जाम्पल है इसके अनुसार कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज देखा जाए, फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल और शाफ्ट, अगर ये जीरो लाइन है, ये होल का फंडामेंटल डेविएशन दिखाया गया है, ये जीरो लाइन है, ये शाफ्ट का फंडामेंटल डेविएशन दिखाया गया। इस फिट को पहचानने का दो तरीका है, तो सबसे शॉर्ट तरीका आपको सिखाएंगे, लेकिन दोनों तरीका बताते हैं। पहले देखो ग्राफिकल मेथड से, तो ये है बी है सी है डी है ई है, उसके बाद एफ है जी है एच है, ये जो एच होता है ना आप ही बताए थे, एच टाइप का जो होल होता है बेसिक होल जिसका लोअर डेविएशन जीरो लाइन से टच करके रहता है, और एच टाइप का ये जो शाफ्ट होता है इसका अपर डेविएशन जीरो होता है। देखिए यहाँ पर ये अपर डेविएशन टच करके है जीरो लाइन से, अगर मान लीजिए कि एच सेवन जी सिक्स दिया, बताओ कौन सा फिट है तो कैसे करोगे। तो सबसे पहले ये एच बेसिक होल है, बेसिक होल के साथ ये सारा एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे इधर देखोगे ना तो सब एच टाइप का होल दिया है, ऐसा इसलिए क्योंकि होल बेसिस और शाफ्ट बेसिस सिस्टम में होल बेसिस सिस्टम को ही हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, होल बेसिस सिस्टम ही ज्यादा यूज होता है, क्लियर है कहानी। क्योंकि एक बार होल को स्टैंडर्ड टूल के द्वारा बना लेते हैं और जब उसका साइज फिक्स हो जाता है तो शाफ्ट को फिर आराम से साइज को चेंज कर सकते हैं अलग अलग फिट प्राप्त करने के लिए, और साइज शाफ्ट का बनाना आसान होता है टर्निंग करके, इसीलिए होल बेसिस यूज होता है। इसलिए एज के साथ ये शाफ्ट चेंज होगा, देखो ये शाफ्ट चेंज होगा, बाकी ग्रेड ऑफ टॉलरेंस जैसे सेवन है, सिक्स है, एट है, सेवन है, तो ग्रेड ऑफ टॉलरेंस में ज्यादा फिट पे प्रभाव नहीं पड़ता है। मगर यहाँ पर देखिए ग्राफ के माध्यम से, जैसे ये बेसिक होल है, ये एच टाइप, तो होल बेसिक सिस्टम में एच टाइप बेसिक होल होता है, तो ये तो जीरो लाइन से टच करके रहेगा, ये जीरो लाइन ये टच करके है। एच के साथ अगर ये जी देखा जाए तो ये जी शाफ्ट के लिए देखना है, ये छोटा लेटर है ना जी, तो छोटा लेटर है तो जी देखो, ये जीरो लाइन से जी कहाँ होता है नीचे होता है, जीरो लाइन से नीचे, जहां भी नीचे दिखेगा इसको नीचे बनाना है, तो होल बड़ा और ये शाफ्ट छोटा, ये जी टाइप है, होल बड़ा शाफ्ट छोटा है, कैसा फिट बनेगा क्लियरेंस फिट बनेगा। इसी तरीके से देखोगे अगर ये एच टाइप का होल है और फिर यहाँ पर एफ टाइप का शाफ्ट है, तो एफ टाइप का शाफ्ट है तो यहाँ पर शाफ्ट एफ में देखोगे तो एफ कहाँ है, ये जी है, ये एच है, एफ यही है, तो ये जीरो लाइन से कहाँ है इसका फंडामेंटल डेविएशन नीचे, तो ये होल बड़ा हो गया शाफ्ट छोटा, कौन सा फिट क्लियरेंस फिट। इसी तरीके से एच सेवन पी सिक्स, यही पूछा था ना, एच सेवन पी सिक्स, तो होल बेसिस सिस्टम में इधर से बड़ा एच को लेना है, ये तो जीरो लाइन से टच करके रहेगा, फिक्स हो गया है। अब शाफ्ट कौन सा है, तो शाफ्ट इसमें पी टाइप का है, ये पी टाइप का है शाफ्ट ना, पी टाइप, तो पी टाइप को यहां से ध्यान देखो, पी टाइप शाफ्ट में यहां पर अगर देखा जाए पी पी क्यू पी आर एस, तो यहां पर देखो तो ये पी है, तो पी का ये अपर डेविएशन कहाँ है, नहीं तो ये जीरो लाइन से क्या है, ये फंडामेंटल डेविएशन हमेशा ऊपर है, तो जैसे ही ऊपर देखे तो इसको भी हम लोग ऊपर बनाएंगे, तो ऊपर बनाओगे तो ये कहाँ आता है इंटरफेरेंस में आता है। तो ये तो ग्राफिकल है, बाकी शॉर्ट तरीका बताते हैं, इसको ध्यान रखना है, सीधे से आपको याद रखना है, अगर होल बेसिस सिस्टम का एग्जाम्पल दिया है, एच एच दिख रहा है, तो इसमें आपको यही चीज ध्यान रखना है कि अगर होल बेसिस सिस्टम है उसके साथ शाफ्ट अगर यूज करोगे तो ए से एच प्रकार का जो शाफ्ट होगा ना ये क्या बनाएगा क्लियरेंस फिट बनाएगा, और जे से लेकर के एन तक का जो शाफ्ट है ये क्या बनाएगा ट्रांजिशन बनाएगा, और पी से लेकर के जेड सी तक का जो शाफ्ट होगा ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा इंटरफेरेंस। अब देखो यहाँ पे, अब इसको खाली देखना है, जी है ए से एच, तो ए बी सी डी ई एफ जी,
इसी में आएगा ना, ए सी एच के बीच में आएगा, तो कौन सा फिट बनाएगा? क्लियरेंस एफ को देखो, ए बी सी डी ई एफ जी, यानी ए सी एच के बीच में एफ आएगा, ये भी क्या बनाएगा? क्लियरेंस। और अगर पी के लिए देखा जाए तो पी से जेड सी क्या बताए थे? इंटरफेरेंस। तो पी से जैसे आगे जाएगा, पी हो गया, आर हो गया, ये सब किस में जाएगा? तो इंटरफेरेंस में जाएगा। इसके बाद देखें तो आर के लिए आर इंटरफेरेंस में जाएगा। उसके बाद जे सी एन, जे के एम एन ऐसे आता है, तो ये के है, तो जे सी एन किस में जाएगा जी? तो ट्रांजिशन में जाएगा, इसीलिए ट्रांजिशन है, के ट्रांजिशन, जे ट्रांजिशन, समझ रहा चीज? तो ये कारगर है, इसको ध्यान रखो, ये छोटा सा ट्रिक है, ऐसे बना सकते हो, काम कर जाएगा। और ये एग्जाम्पल जितना लिखा है ना, ये सब पूछा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है। ये तो अभी पूछा था, ये भी बार बार पूछा जाता है, और इस ट्रांजिशन में से भी एक पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन बताते हैं, बताओ अभी बताए थे सेवन जी सिक्स है, कौन सा फिट है? अब बता सकते हो सेवन जी सिक्स कौन सा फिट है? तो अगर यहां पर देखें एच सेवन जी सिक्स, तो एच सेवन जी सिक्स कौन सा फिट होगा जी? तो क्लियरेंस फिट होगा ना, तो क्लियरेंस फिट इसमें नहीं दे रहा है, बहुत लोग गलती कर रहा है, आंसर सही करना है। प्रिसीजन दिया है, लूज रनिंग फिट दिया है, श्रिंक फिट दिया है, ट्रांजिशन दिया है, तो लूज रनिंग फिट मारोगे, क्योंकि लूज रनिंग फिट जो होता है ये क्लियरेंस फिट का ही टाइप है, क्लियरेंस फिट में ही आता है लूज रनिंग फिट, जब एक पार्ट दूसरे के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक घूमता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लूज रनिंग फिट बोलेंगे, यानी होल बड़ा रहेगा, साफ छोटा रहेगा, इससे पहचान में आ रहा है ना। अभी बताए थे ए से लेकर के एच, तो ये जी है, इसमें आएगा, क्लियरेंस में आएगा, इसलिए यहां पर लूज रनिंग फिट कर सकते हो। राइट आंसर यहां पर क्या रहेगा? बी। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए सभी लोग, चलिए बताइए इसको। क्वेश्चन है, फिलर गेज जैसे साधारण उपकरण की मदद से किसका मापन किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज टेकन बाई ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट लाइक फिलर गेज, एनएमआरसी, नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन 2017 में पूछा। लेंथ और थिकनेस, डायमीटर, हाइट और क्लियरेंस, बताइए फटाफट बताइए सभी लोग। अरे आंसर तो करो, खाली देखने से थोड़ी काम चलेगा, रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हो, एलपी टेक्नीशियन, सेल, इसरो, ठीक, और आज एसडीएससी का पेपर भी था। अगर एग्जाम दिए हो तो लास्ट में बात करेंगे, बताना कैसा रहा एग्जाम सभी का, और किस लेवल का क्वेश्चन आया था, ठीक, पढ़ा होगा तो उसको तेल निकाल कर रख दिया होगा, अगर हमसे पढ़ा होगा तो, ठीक। चलिए तो यहां पर अगर देखो तो ये क्लियरेंस के लिए, गैप के लिए ना, गैप चेक करने के लिए, राइट आंसर क्या रहेगा? डी। अब ये फिलर गेज के लिए देखें तो ढेर सारा यूज है, यही फिलर गेज है। फिलर गेज में पार्ट में देखें तो इसको केज कहा जाता है, और ये ब्लेड होती है, पत्ती, जैसे नाइफ, ये जो पॉकेट नाइफ होता है ना, पॉकेट में रखने वाला जो चाकू होता है, इसको मोड़ देते हैं, उसी तरीके से पत्ती होती है, इसको मोड़ देते हैं केज में यूज करने के बाद। अब ये जो पत्ती होती है, पत्ती का मटेरियल पूछे तो क्या बताओगे? ये स्प्रिंग स्टील का बना होता है, लचीला होता है, स्प्रिंग स्टील का बना होता है, और इसका स्टैंडर्ड लंबाई कितना होता है? 100 mm होता है, ये पूछा जाता है, और हर एक पत्ती पर इसका साइज लिखा रहता है mm में। तो दो पार्टों के बीच में गैप या क्लियरेंस को चेक कर सकते हैं, जैसे ये दो मेटिंग पार्ट है, दो मिलने वाले भाग हैं, अगर यहाँ गैप होगा तो पत्ती को एक एक को निकाल करके और इसमें डालते हैं, जो पत्ती फिट आएगी उस पर साइज लिखा रहता है, पढ़ लेते हैं। बियरिंग के क्लियरेंस को जांचने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, बियरिंग में ये इनर रेस या आउटर रेस, ये रोलिंग एलिमेंट होता है, तो तीनों जो होता है इनर रेस, आउटर रेस, रोलिंग एलिमेंट, ये निकेल क्रोमियम स्टील या क्रोम निकेल स्टील के ही बने होते हैं, क्लियर है इतना कहानी? तो इसमें गैप है कि नहीं है इसको चेक करने के लिए, ये स्पार्क प्लग गाड़ियों में, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है ना, तो स्पार्क प्लग का गैप चेक करने के लिए या गैप को सेट करने के लिए भी फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। ये पिस्टन रिंग होता है, पिस्टन रिंग में ज्यादा गैप हो जाता है तो लीकेज होने लगता है पिस्टन के पीछे से, इसीलिए यहाँ पर भी क्लियरेंस को चेक करना होता है, तो पिस्टन रिंग की क्लियरेंस को भी चेक कर सकते हैं, ये सब यूज है, क्लियर है इतना कहानी फिलर गेज का। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस स्लिप गेज का प्रयोग कैलिब्रेशन उद्देश्यों के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्लिप गेज इज यूज्ड फॉर कैलिब्रेशन पर्पस, डीएमआरसी 2017 में पूछा है, कैलिब्रेशन या रिफरेंस, दोनों सेम बात है, बताओ। बहुत जगह इसका गलत आंसर मिलता है, अभी सारा चीज करेक्ट करा देंगे। ग्रेड जीरो, ग्रेड जीरो जीरो, ग्रेड टू और ग्रेड वन, बताइए फटाफट सभी लोग। यहाँ पर अगर राइट आंसर देखोगे तो राइट आंसर क्या होगा? उसको अलग अलग ग्रेड में बनाया गया है, यही सब ग्रेड है इसका। तो इसमें अगर देखोगे एक्यूरेसी के साथ अगर सजाया जाए तो ग्रेड जीरो जीरो होता है, उसके बाद ग्रेड जीरो होता है, उसके बाद क्या होता है, ग्रेड वन होता है, और फिर ग्रेड टू होता है, ऐसे सजा सकते हो एक्यूरेसी के अनुसार। ग्रेड जीरो जीरो को हम लोग
कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन मतलब अंशांकन उद्देश्य होता है या रिफरेंस के लिए, कैलिब्रेशन या रिफरेंस ग्रेड कहलाता है, ये शॉर्ट में लिख रहे हैं कैलिब्रेशन या रिफरेंस ग्रेड, ग्रेड जीरो जीरो। और ग्रेड जीरो जो होता है इंस्पेक्शन ग्रेड होता है जांच वर्क के लिए, और ये ग्रेड वन और ग्रेड टू होता है ना, ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्कशॉप ग्रेड बोलते हैं, दोनों को हम लोग वर्कशॉप ग्रेड बोलते हैं। लेकिन वर्कशॉप ग्रेड में भी थोड़ा सा अंतर है, ये जो ग्रेड वन होता है ना, ग्रेड वन टूल रूम में यूज होता है, टूल रूम में यूज होता है, क्योंकि वर्कशॉप में ही क्या होता है, टूल रूम होता है, लेकिन टूल रूम में थोड़ी अच्छी एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है, इसीलिए वहां पर ग्रेड क्या यूज होता है, ग्रेड वन यूज होता है। और ग्रेड टू वर्कशॉप में सभी साधारण कार्यों के लिए बोल सकते हो, अगर पूछे कि टूल रूम में कौन सा है, टूल रूम ग्रेड कौन है, तो ग्रेड वन बता सकते हो। क्लियर है इतना कहानी, न कि टूल रूम ग्रेड ग्रेड जीरो बताओगे, ऐसे ही नियम में आपको मिलेगा और ऐसे ही याद रखना है। ग्रेड वन और ग्रेड टू को वर्कशॉप ग्रेड बोला जाता है, अंतर यही है कि टूल रूम पूछे तो ग्रेड वन बता देना और साधारण कार्यों के लिए पूछे तो ग्रेड टू बता देना है। चलिए आगे, अब यहाँ पर देखें स्लिप गेज के लिए, तो स्लिप गेज स्टैंडर्ड लेंथ मेजरमेंट के लिए यूज होता है, डायमेंशन बनाने के लिए यूज करते हैं। स्लिप गेज ये बॉक्स में मिलता है जिसमें अलग अलग सेट, जैसे 112 पीस का मिल सकता है, यानी एक बॉक्स में अलग अलग पीसेस कितने होंगे, 112 हो सकते हैं, अलग अलग साइज के, जैसे 100 mm, 200 mm, 50 mm, यानी बड़े से बड़े और छोटे से छोटे ब्लॉक अवेलेबल है। सबसे छोटा इसमें 1.005 mm का भी ब्लॉक होता है, समझ रहे चीज। तो 112 पीस, 45 पीस, 88 पीस, BIS के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या ISI बोल सकते हो, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 112 पीस वाले को हम लोग स्पेशल सेट बोलते हैं और 45 वाले को नॉर्मल सेट बोलते हैं, तो ये भी पूछा जाता है। अब स्लिप गेज इस तरीके से एक एक लैपिंग किया हुआ फिनिश्ड ब्लॉक होता है, जिसको एक आपस में रिंगिंग एक्शन के द्वारा जोड़ करके और डायमेंशन बनाते हैं, ऐसा टीला बना सकते हैं। तो ऐसा टीला बना करके कली खेलने के लिए है क्या, कि गेंद से मारेंगे और भागेंगे चोर चोर, नहीं उसके लिए नहीं होता है ये, डायमेंशन साइन बार के साथ इसका यूज कर सकते हैं। दो गेज ब्लॉक को आपस में जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, तो रिंगिंग एक्शन कहलाती है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए तो इतना डिटेल्स इसके लिए काफी है। नेक्स्ट अगर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 21 है, स्निप क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्निप, स्निप का उपयोग क्या होता है, पर्पस पूछा है, बताइए। टू वेल्ड द सीट, टू कट द थिन सॉफ्ट मेटल सीट, टू पॉलिश द सीट और टू बेंड द सीट, क्या होगा बताइए फटाफट आंसर सभी लोग, बहुत धीरे धीरे आंसर कर रहे हो, तेजी से थोड़ा करना है ठीक। अगर यहां पर देखेंगे तो जो लोग बी किया है ना, टू कट द थिन सॉफ्ट मेटल सीट, सीट यानी पतली मुलायम धातु की जो सीट होती है उसको काटने के लिए, सीट मेटल सॉफ्ट में जो कैंची यूज होता है उसको हम लोग स्निप बोलते हैं। अब कैसा है, तो यही है स्निप, तो कटिंग टूल है तो क्या होगा मेटेरियल, ये स्निप है, कटिंग टूल है तो क्या मेटेरियल होगा, तो हाई कार्बन स्टील होगा, HCS। अब टाइप्स में देखोगे तो एक स्ट्रेट स्निप होता है और दूसरा होता है बेंट स्निप। स्ट्रेट स्निप ये है जिसका जो कटिंग एज होता है ये सीधा होता है, और इसका अगर साइज बताया जाए तो ये पूरा ओवरऑल लंबाई से इसका साइज बताया जाता है, ओवरऑल लेंथ से इसका साइज बताते हैं। तो स्ट्रेट स्निप का यूज पूछा जाता है, स्ट्रेट स्निप का यूज कहाँ पर, तो अगर पतली सीट है उसको सीधे लाइन में काटना है तो सीधे लाइन में काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर सीट से बड़ा रेडियस वाला इस तरीके से डिस्क काटना है तो बड़े रेडियस वाले डिस्क को भी काट सकते हो इसके द्वारा, वेरी गुड। कौन है, बिल्किज बाय 20SWG, हाँ इसका जो ये कटिंग एज होता है 87 डिग्री कोण पर मुड़ा होता है, ये हमारा ही स्टूडेंट होगा तभी इतना एक्यूरेसी के साथ ये आगे आगे आंसर कर रहा है, ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं ना कहीं पढ़ा है। अगर यहाँ पर देखोगे तो ये एंगल तो बता ही दिए, 20SWG, SWG मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज, सीट का थिकनेस किसके द्वारा चेक करते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज के द्वारा। 20SWG का अप्रोक्स अगर mm में साइज देखोगे तो कितना बोल सकते हैं, यानी 1.2 mm साइज तक के सीट को ये काट सकता है स्निप, चाहे स्ट्रेट स्निप हो या बेंट स्निप हो। एक होता है हैंड लेबर शेयर, तो हैंड लेबर शेयर इससे थोड़ा मोटा सीट को काटता है, वो 10SWG को काटेगा, 10SWG स्टैंडर्ड वायर गेज का साइज अगर देखोगे तो कितना होता है, 3 mm बोल सकते हैं, 3 mm मोटी सीट को हैंड लेबर शेयर के द्वारा काट सकते हैं। ओनली यूट्यूब से पढ़े हैं, चलिए ठीक है, वेरी गुड। यूट्यूब पर भी तो पूरा धुआं उड़ा के पढ़ाए थे और अभी भी चल रहा है धुआं उड़ते हुए।
अगर यहाँ पर देखोगे तो 10SWG गिज नंबर यहाँ पर 20 है, ये 10 है, तो गिज नंबर बढ़ने से साइज कम होता है, ये भी क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड वायर गिज में। गिज नंबर बढ़ने से साइज कम होगा, गिज नंबर जितना कम होगा उतना साइज ज्यादा होगा। तो लेबर शेयर के लिए, हैंड लेबर शेयर के लिए 3 mm या 10SWG। तो अभी तो स्ट्रेट स्लिप का बताया, बेंड स्लिप में देखोगे तो बेंड स्लिप का क्या यूज होता है, तो बेंड स्लिप में पहले तो ये देख लेते हैं इसका जो कटिंग होता है हल्का गोलाई में मुड़ा होता है, गोलाई में मुड़ा होता है। तो अगर इस तरीके से सीट है ना, तो सीट से ये छोटा रेडियस वाला कोई डिस्क काटना होगा तो काट सकते हैं, ये गोलाई में मुड़े होने की वजह से आराम से ये कर्व पर घूम सकता है। पूछा जाता है छोटे रेडियस के डिस्क काटने के लिए कौन सा स्लिप, तो बेंड स्लिप बताओगे। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है, बोल्ट की चूड़ी जो कि वामवर्त दिशा में चलाए जाने पर नट में घुस जाती है कहलाती है। द थ्रेड ऑफ ए बोल्ट व्हिच एडवांसेस इनटू द नट व्हेन टर्नड इनटू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये बोला जा रहा है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग उसको घुमा रहे हैं तो वो आगे बढ़ रहा है यानी टाइट हो रहा है, और क्लॉकवाइज में ढीला हो रहा है। तो ये किसका नेचर है, लेफ्ट हैंड थ्रेड का, राइट हैंड थ्रेड का, सिंगल स्टार्ट या मल्टी स्टार्ट, तो बताओ यहाँ पे लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कौन सा है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड थ्रेड है ना, देखिए जनरली होता क्या है, पहले ये समझो जो राइट हैंड थ्रेड होता है ना उसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो क्या होगा, टाइट होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में खुलता है। जस्ट उसका उल्टा याद रखो लेफ्ट हैंड के लिए, एंटी क्लॉकवाइज में वो क्या होगा, टाइट होगा, और क्लॉकवाइज में क्या होगा, खुलेगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एडवांस कर रहा है यानी आगे जा रहा है यानी टाइट हो रहा है, मतलब कौन सा है, लेफ्ट हैंड थ्रेड है, इधर इतना कहा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है कि मल्टी स्टार्ट में लीड खाली स्थान के समान होता है, इन मल्टी स्टार्ट थ्रेड द लीड इज इक्वल टू, इसने पूछा है मल्टी स्टार्ट थ्रेड में लीड किसके बराबर होता है, पिच प्लस चालू होने की संख्या, पिच बटा में चालू होने की संख्या, पिच माइनस चालू होने की संख्या, पिच इंटू चालू होने की संख्या, बताइए। यहाँ पर राइट आंसर अगर देखो तो राइट आंसर बताइए फटाफट सभी लोग, राइट आंसर क्या होगा, तो डी होगा ना जी। ये लीड और पिच में अगर संबंध देखा जाए तो मल्टी स्टार्ट अगर थ्रेड है तो मल्टी स्टार्ट थ्रेड में लीड और पिच जो होता है यानी लीड बराबर नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू क्या होता है पिच, तो नंबर ऑफ स्टार्ट यानी चालू होने की संख्या, नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच, राइट आंसर क्या होगा डी, जो लोग डी किया उसका करेक्ट। अब देखो यहाँ पर जैसे सिंगल स्टार्ट थ्रेड है ना, सिंगल स्टार्ट मतलब क्या रखोगे, नंबर ऑफ स्टार्ट एक रखोगे इनटू पिच, सिंगल स्टार्ट के लिए लीड और पिच क्या होता है बराबर, तो ये सर पूछा जाता है सिंगल स्टार्ट के लिए लीड और पिच क्या होता है, तो बराबर डबल स्टार्ट थ्रेड होता है लीड बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 × पिच होगा, ट्रिपल स्टार्ट होगा तो लीड बराबर 3 × क्या होगा पिच होगा, लीड बराबर 4 स्टार्ट के लिए 4 × क्या होगा पिच, क्लियर है इतना कहानी। लीड और पिच में क्या अंतर है ये भी तो समझना है, बहुत लोगों को ये भी लग रहा होगा यार इतना बता दिया हमको तो लीड और पिच नहीं पता है, अभी एक से दूसरे थ्रेड के बीच में अगर ये दूरी देखोगे तो ये पिच कहलाता है, और अगर लीड के बारे में बात करें तो मान के चलो अगर नट है और कोई एक बोल्ट है, तो नट के अंदर बोल्ट को अगर टाइट कर रहे हैं तो बोल्ट को एक चक्कर में घुमाने पर ये जितना आगे जाएगा, एक चक्कर में जितना आगे जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं लीड, तो सिंगल स्टार्ट के लिए लीड पिच के बराबर होगा। अगर मान लो पिच 0.5 mm है तो सिंगल स्टार्ट के लिए लीड 0.5 mm ही रहेगा, डबल स्टार्ट के लिए 0.5 × 2 हो जाएगा नहीं 1 mm हो जाएगा, ट्रिपल स्टार्ट के लिए ये 1.5 mm हो जाएगा, 4 स्टार्ट के लिए 4 × 0.5 यानी पिच 0.5 mm लिए हैं लेकिन ना हो जाएगा 2 mm हो जाएगा। अब देखो ना यहाँ पे वो कह रहा है तो पिच तो वही है लेकिन स्टार्ट बढ़ने से लीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, यानी सिंगल स्टार्ट को एक चक्कर घुमाओगे तो कितना जाएगा, 0.5 mm आगे जाएगा, जैसे माइक्रोमीटर में बताए थे सिंगल स्टार्ट ही रहता है, डबल स्टार्ट में जाओगे ये 1 mm जाएगा एक चक्कर में, ट्रिपल स्टार्ट में जाओगे तो 1.5 mm आगे जाएगा, और 4 स्टार्ट में जाओगे तो क्या जाएगा 2 mm जाएगा, 5 स्टार्ट में 2.5 mm जाएगा, फिर इतना कहानी। स्टार्ट बनाने से क्या फायदा है, स्टार्ट बनाने से फायदा है ये कोई भी नट बोल्ट है जितना ज्यादा स्टार्ट होगा उतना जल्दी खुलेगा उतना जल्दी टाइट होगा, बस स्टार्ट बढ़ाने से लीड बढ़ जाता है। तो लीड बराबर अगर मान लीजिए अलग अलग स्टार्ट दे करके कोई पिच दे दे तो लीड निकाल सकते हैं ना किसी भी स्टार्ट के लिए, तो ये
फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, पूछा जाता है बार बार, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, छोटा छोटा न्यूमेरिकल क्या से क्या करके पूछ लेगा इसमें से। चलिए डी राइट आंसर। आइसोमेट्रिक थ्रेड का अंतर्विष्ट कोण क्या है, ये बता चुके हैं, बताओगे जी नहीं क्या होगा। द इंक्लूडेड एंगल ऑफ आइसोमेट्रिक या मेट्रिक थ्रेड भी बोला जाता है इसको, क्या होगा एंगल 29, 55, 45 या 60, ये तो पता होगा सबको। यहाँ पर कितना होगा 60 डिग्री है। ये आइसोमेट्रिक मतलब क्या है, मेट्रिक थ्रेड बोलो या आइसोमेट्रिक बोलो, सेम बात है, 60 डिग्री एंगल होता है। आईएसओ का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ऐसा इसीलिए पूछा जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। 60 डिग्री एंगल, 29 डिग्री किसका होता है, तो एक में का ना, एक में थ्रेड या वर्म, एक में या वर्म थ्रेड का एंगल कितना होता है 29 डिग्री होता है। एक में थ्रेड कहाँ यूज होता है, तो लेथ मशीन के लिए डेस्क्रू। 55 डिग्री किसका एंगल है, तो BSW ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्ड BSP ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप और BSF ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड के लिए। 45 डिग्री किसका होता है, बटरस थ्रेड। और 60 डिग्री आइसोमेट्रिक बोलो या मेट्रिक थ्रेड बोलो या ये सेलर थ्रेड होता है, आईएसओ थ्रेड, ठीक है, अमेरिकन नेशनल थ्रेड जिसको बोला जाता है, उसका भी कितना होता है 60 ही होता है। चलिए तो ये सब क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 25, एक कटाई उपकरण पर शून्य रेक कोण किसके लिए प्रदान किया जाता है। जीरो रेक एंगल इज प्रोवाइडेड ऑन कटिंग टूल फॉर, इसमें भी ढेर सारा चीज बताएंगे। ये सिंगल पॉइंट जो लेथ कटिंग टूल होता है ना, उससे संबंधित क्वेश्चन है। जनरेटर बंद करो सर, आवाज आ रहा है। अब यहाँ पर देखो जनरेटर भी चल रहा है, अगल बगल पंडाल भी है सरस्वती जी का, तो गाना भी चल रहा है, किसको किसको बंद करें, कुछ देर में क्लासें बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कहानी आज का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यही लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कटाई उपकरण पर शून्य रेक कोण किसके लिए दिया जाता है, सिंगल पॉइंट लेथ कटिंग टूल है उसके लिए, तन्य पदार्थ की मशीनिंग के लिए, रबड़ की मशीनिंग के लिए, भंगुर पदार्थ के लिए, कुटनीय पदार्थ के लिए, यानी मशीनिंग मेलेबल मटेरियल, यहाँ पर भंगुर पदार्थ के लिए, बीटल मटेरियल के लिए, बीटल मटेरियल इसलिए बोला जाता है कास्ट आयरन को ध्यान में रखकर के, नहीं कास्ट आयरन की जब मशीनिंग करते हैं ना, कास्ट आयरन की जब कटिंग करते हैं तो उसके लिए रेक एंगल जीरो रहता है, कास्ट आयरन। इसके अलावा ब्रास मटेरियल में देखोगे, इनके लिए रेक एंगल क्या होता है, रेक एंगल जीरो रखा जाता है, जीरो डिग्री। अब क्या है जीरो डिग्री का मतलब, ये भी बात करते हैं। कास्ट आयरन ब्रास के लिए रेक एंगल जीरो। इसके अलावा अगर देखोगे तो फॉर्म टूल के लिए भी रेक एंगल जीरो होता है। फॉर्म टूल मतलब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, जैसे थ्रेड कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल। अगर 60 डिग्री का, 60 डिग्री का हम लोगों को थ्रेड, मेट्रिक भी थ्रेड बनाना है, 60 डिग्री का ये पॉइंट एंगल रहता है, वैसा ही उसमें थ्रेड बनाएगा, इसलिए इसको फॉर्म टूल बोलेंगे। इस पर भी रेक एंगल जीरो रहता है, यानी ऊपर वाला फेस होता है ना, ये ढलान नहीं होता है, जीरो होता है। मिलिंग कटर जो गियर मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है, उसका भी रेक एंगल क्या होता है, जीरो। तो यहां पर अगर देखा जाए कि जो रेक एंगल होता है, रेक एंगल मेटल की प्रवृत्ति के अनुसार रखा जाता है। चिप को तोड़ने के लिए रेक एंगल का काम होता है, रेक फेस बनता है ना, उसी पर चिप फ्लो करता है। तो कास्ट आयरन अगर यहां पर बोले तो कास्ट आयरन तो पहले से छोटा छोटा चिप्स बना होता है, इसीलिए इसका रेक एंगल क्या रखा जाता है, जीरो। कोई रेक एंगल नहीं देंगे तो पहले से टूटा टूटा चिप बनता है, जब जो टूटा है उसको क्या तोड़ना है। तो बोलो कि ब्रास तो सर ब्रिटल नहीं है, कास्ट आयरन को ब्रिटल बोल रहे हैं, लेकिन ब्रास तो ब्रिटल नहीं है, ब्रास ब्रिटल नहीं है, मुलायम है, लेकिन इसका जो चिप होता है ना, चिप इसका भी क्या बनता है, छोटा छोटा, क्योंकि पीतल जो होता है कॉपर और किसका मिश्रण है, तो जिंक का मिश्रण है, तो जिंक मिले होने की वजह से इसका भी चिप क्या बनता है, छोटा छोटा, इसीलिए इसका भी रेक एंगल जीरो। अब इतना बता रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है वो किसी को कि रेक एंगल है क्या। तो देखो यहाँ पर अगर कटिंग टूल में देखें, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, इसमें रेक एंगल पॉजिटिव, ये निगेटिव रेक एंगल और जीरो रेक एंगल, इसी की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखो तो एक एक करके आते हैं, टूल का ये पॉइंट है, ये सैंक है। अगर यहाँ से देखें तो ये जो टूल का ये फेस होता है, इसको रेक फेस बोलते हैं, इसके बीच का ये जो एंगल होता है, इसे रेक एंगल कहलाता है। रेक एंगल को अल्फा से सूचित करते हैं, ये कौन सा रेक एंगल, पॉजिटिव रेक एंगल, पॉजिटिव रेक एंगल होता है। क्लियर है इतना कहानी, यानी पॉइंट से सैंक की तरफ जो ढलान होता है ऐसा, देखो इसको हम लोग पॉजिटिव रेक एंगल बोलते हैं।
5 से 30 डिग्री तक रखा जाता है प्लस में, पॉजिटिव ब्रेक एंगल टूल में, तो उसका फायदा होता है, कटिंग फोर्स कम आता है, मशीन का पावर कम लगता है। क्लियर है इतना कहानी। अब यहाँ पर इसी को दूसरे फिगर में देखो तो ये जो टूल है ना, ये जॉब है, जॉब के साथ ये छिलका निकल रहा है, ये टूल को इसको ऐसे उठा दो, ऐसे ऐसे उठाओगे तो ये हो गया, ये हो गया तो ये इसका ये रेक फेस जो था ना ये ऊपर आ गया, ये रेक फेस है। और एंगल अगर देखना है यहाँ पे तो यही वर्टिकल, ये जो लाइन ले रहे थे ना ये कहाँ चला गया, लंबवत, यही लाइन ये लंबवत है, तो ये रेक एंगल है, ये कौन सा पॉजिटिव अल्फा यानी धनात्मक रेक एंगल है, पॉजिटिव रेक एंगल है। और ये चिप है, ये मेटल से कट करके धातु से कट करके चिप इसी पे फ्लो कर रहा है, ब्रेक एंगल ये पॉजिटिव, नेगेटिव ब्रेक एंगल का क्या कहानी है तो इसमें देखो तो इसका उल्टा होता है, ये सैंक है और ये पॉइंट है, ये सैंक से पॉइंट की तरफ टेपर है, ये पॉइंट से किधर टेपर है, सैंक की तरफ ढलान होता है, ये सैंक से पॉइंट की तरफ टेपर होता है, सैंक से पॉइंट की तरफ टेपर होता है तो कटिंग एज इसका मजबूत रहता है, इसका पतला होता है तो इसका कटिंग एज मजबूत होता है, टूल लाइफ बढ़ता है नेगेटिव ब्रेक एंगल देने से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नेगेटिव ब्रेक एंगल हर एक टूल मटेरियल पर नहीं होता है, किस पर होगा ये, तो कार्बाइड, कार्बाइड टूल मटेरियल है, सीमेंटेड कार्बाइड या सिरेमिक है, सिरेमिक टूल मटेरियल है, उसमें हम लोग नेगेटिव ब्रेक एंगल देते हैं और हाई स्पीड के साथ कटिंग के लिए प्रयोग करते हैं, और हार्ड मेटल की टर्निंग के लिए प्रयोग करते हैं, हार्ड मेटल की टर्निंग के लिए, हार्ड मेटल की कटिंग के लिए डेप्थ ऑफ कट ज्यादा दे सकते हो, इस पर टूल पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, टूटता नहीं है जल्दी। अब इसी को देखें, अगर ऐसे उठा दो इसको, ऐसे सोया हुआ था हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल करो, वर्टिकल करोगे तो यही कंडीशन, ये जॉब है। अभी 90 डिग्री तो 90 डिग्री पे ही रहेगा ना अपना, अब इसका ढलाने उल्टा है तो देखो ये कहाँ चला गया, इधर, ये जो है ये रेक एंगल निगेटिव कहलाता है, निगेटिव रेक एंगल। इसमें क्या था, ये देखो रेक फेस है टूल का, ये वर्टिकल प्लेन है जहाँ से एंगल लेते हैं पॉजिटिव, ये वर्टिकल प्लेन यहाँ है यानी 90 डिग्री, और इसका रेक फेस इसको क्रॉस कर गया तो इसलिए निगेटिव रेक एंगल कहलाता है, ये चिप को तोड़ता है। अगर टूल के फेस पर कोई ढलान ना हो, देखो यहाँ पे ये कोई ढलान नहीं, एकदम प्लेन है, तो ये क्या कहलाता है, जीरो रेक यानी कोई ढलान ही नहीं, कास्ट आयरन की मशीनिंग करने के लिए चिप तोड़ना है ही नहीं, छोटा छोटा चिप टूटा हुआ ही बनता है, इसलिए रेक एंगल उसके लिए जीरो, ब्रास में भी छोटा छोटा चिप बनता है इसलिए रेक एंगल जीरो। फॉर्म टूल जैसे थ्रेड कटिंग टूल होता है, इसका भी ये जो फेस होगा ये प्लेन होगा, तो ये जीरो रेक एंगल कराता है। अगर यहाँ पर देखा जाए, इसको ऐसे उठाओ ना, तो ये भी सीधा है और 90 डिग्री लाइन भी सीधा है, यानी दोनों लाइन दोनों एक दूसरे पे आ जाएगा ना, यहाँ पर कोई एंगल नहीं बनेगा, यानी अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो, और ये चिप। क्लियर इतना कहानी, यही चीज इसमें पूछा था क्वेश्चन में। तो ब्रास हो गया, कास्ट आयरन हो गया, कास्ट आयरन को ध्यान में रख करके ब्रिटल मटेरियल पूछा है, बाकी ये भी ध्यान रखना कास्ट आयरन मशीनिंग को पूछा जाता है अलग से क्वेश्चन, ब्रास के लिए मशीनिंग के लिए रेक एंगल, तो तीन क्वेश्चन उससे बना जाए, जीरो मार दो, फॉर्म टूल के लिए जीरो, जैसे थ्रेड कटिंग टूल हो गया, ये थ्रेड मिलिंग कटर जो होता है जिसके द्वारा गियर बनाया जाता है, सेम प्रोफाइल का, जैसा गियर का दांत बनाना वैसा मिलिंग कटर का प्रोफाइल होता है, उसका भी रेक एंगल जीरो, पांच क्वेश्चन यहीं से डिस्कस हो गया। क्लियर है इतना कहानी, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट जो हम लोगों का क्वेश्चन का टारगेट रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 26 से आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 से और डिस्कशन करते चलेंगे, आज इतना ही, किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। और एक चीज बताइए, STSC का कोई आज एग्जाम दिया है तो थोड़ा बताओ कैसा क्वेश्चन था, बना कि नहीं बना, ठीक, नौकरी तो मैं फ्री में ना करूँ, आई एम बोर्ड IAS, चलिए स्मार्ट, वेरी गुड, अगर आपका सोच रखना है तो फिर जाओ IAS का तैयारी करो, तो IAS का सिलेबस नहीं है यहाँ मत करो, टाइम बर्बाद हो रहा है। आ जाएगा ऋषि पाठक, धीरे धीरे सब आ जाएंगे। ऑनलाइन था तो अभी कहाँ से मिलेगा पेपर, मत, ये सब पुराने स्टूडेंट हैं। चलिए वेरी गुड, क्वेश्चन मॉडरेट था सर, चलिए ठीक है, वो आएगा तो करा देंगे उसका सलूशन, जितना पढ़ाए थे बना है ना, आपके सेमिनार में जुड़ूंगा, चलिए वेलकम है, आ सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाइए सर जी, अभी समय है काफी, टुन टुन कुमार
आराम से करते चलेंगे हम लोग, ठीक है, धीरे धीरे अपने से बढ़ते जाएगा क्वेश्चन। 52 अटेम्प्ट सर, 77। शुभम शर्मा 14 SWG, 10 SWG, 20 SWG, 38, 40, ये सब का टेबल होता है, ठीक, तो टेबल में डाटा है उसके अनुसार अंदाज से बता सकते हो, सबका याद करना जरूरी नहीं है, ठीक, 10 का याद रखो, 3, 20 का याद रखो, ठीक। 14 SWG का मान पूछा, 10 SWG क्या था, देखो 10 SWG क्या बताया अभी आपको, 10 SWG 1.2 या टेबल में देखोगे तो 1.5 के आसपास आता है, ठीक। अब पूछा 14, जैसे जैसे गेज नंबर बढ़ेगा साइज क्या होता है, छोटा होता है, तो जब 10 SWG देखोगे तो 1.2 थोड़ी होता है, 10 SWG में देखोगे तो 3 mm बताए थे ना लेवर शेयर के लिए, 20 SWG के लिए क्या होता है, 20 SWG के लिए क्या होता है, SWG, 20 SWG के लिए बताए थे आपको 1.2, इसको अगर 3 माना जाए 10 SWG तो 14, थोड़ा सा साइज इससे क्या होगा, जैसे जैसे बढ़ेगा तो कम होगा, यानी 2 कुछ में दिया होगा, तो उसके अनुसार ऑप्शन मार सकते हो, ऐसे ही अंदाज लगाया जाता है, ठीक, 2 mm, चलो ठीक है भाई, 2 mm या 2 कुछ दिया होगा तो ठीक है। सेल दुर्गापुर का, अभी देखिए दुर्गापुर के लिए भी, और फिर ये जो बर्नपुर था IAS, इसको, ठीक है, उसमें भी अगर देखो तो उनका भी अपडेट आने आ ही जाएगा, जल्दी आएगा, अभी राहुल किला का आ गया ना एडमिट कार्ड, 3 मार्च को एग्जाम है, तो अब सेल का सीरीज चल रहा है, आगे जो भी 2 बचा हुआ है उसका भी आ जाएगा जल्दी, तैयारी में लगे रहना है। सर मुझे पहचान रहे हो, इसके रहमत, थोड़ा थोड़ा पहचान आ रहा है, ठीक है, चलिए ठीक है, तो कल भी जुड़िए सभी लोग, कल भी क्लास रहेगा थ्योरी का, इसमें आगे क्वेश्चन कराएंगे, आज इतना ही रहने देते हैं, और सेल के लिए भी वीडियो बनाया है जो राहुल किला का आया है ना, उसको भी देख लीजिए कैसे डाउनलोड करना है, और कुछ इन्फॉर्मेशन दी है उसको भी देख लीजिए, एग्जाम पैटर्न हैंड आउट दिया है उसमें बताएं क्या क्या है, कितना क्वेश्चन किस सेक्शन से आने वाला है, उसका रिविजन कर लीजिए, और जो लोग चाहता है कम समय में प्रैक्टिस के लिए, तो उसके लिए ऐप पर प्रैक्टिस सेट भी है, वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक, चलिए ठीक है, गुड नाइट।